फ्रेंड्स, सरकार द्वारा देश को टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। बीते 4-5 वर्षों में देश ने इसमें काफी प्रगति की है, लेकिन अभी लंबा सफर बाकी है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़ों के साथ अपनी बात कहना चाहता हूं। साथियों, पिछले 5 साल में देश में 1.5 करोड़ से ज्यादा कारों की बिक्री हुई है, 1.5 करोड़ से ज्यादा, और मैं महंगी कारों की बात करता हूं। 3 करोड़ से ज्यादा भारतीय बिजनेस के काम से या घूमने के लिए विदेश गए हैं। आंकड़ा याद रखिए, इतनी गाड़ियां खरीदी हैं और इतने लोग विदेश। लेकिन स्थिति यह है कि 130 करोड़ से ज्यादा के हमारे देश में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स देते हैं। यहां तो सब देते ही होंगे, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। इसमें से भी प्रति वर्ष, ये आंकड़े सुनिए आपको चौंक जाएंगे, प्रति वर्ष 50 लाख रुपए से ज्यादा आय घोषित करने वालों की संख्या सिर्फ 3 लाख है। आप में से कोई विश्वास नहीं करेगा, अगर मैं वोटिंग करवाऊं तो 100% वोटिंग कहेगा ये सही नहीं है। आपको एक आंकड़ा और देना चाहता हूं। हमारे देश में बहुत प्रोफेशनल्स बहुत क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट होंगे, इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, वकील होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, पूरा बॉलीवुड होगा, अनेक प्रोफेशनल है जो अपने अपने क्षेत्र में छाए हुए हैं। और आजकल तो टियर 2 टियर 3 सिटी में भी ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, और वे अपने अपने तरीके से देश की सेवा भी कर रहे हैं, उनके योगदान को हम नकारते नहीं हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि देश में, इतना बड़ा देश, सिर्फ 2200 प्रोफेशनल ही जो अपनी सालाना इनकम को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताते हैं। हिंदी समझते हैं ना? अकेले दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में इससे ज्यादा लोग होंगे। लेकिन यह स्थिति है, पूरे देश में सिर्फ 2200। अब ये कैसे गले उतरेगा? अभी इतनी गाड़ियां आ रही है, खरीदी जा रही है, विदेशों में इतना घूमना गामना हो रहा है, बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन 2200 लोग। साथियों, जब हम देखते हैं कि लोग घूमने जा रहे हैं, अपनी पसंद की गाड़ियां खरीद रहे हैं, तो खुशी होती है, चलो भाई कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन जब टैक्स भरने वालों की संख्या देखते हैं तो चिंता भी होती है। एक कॉन्ट्रास्ट भी हमारे देश की एक सच्चाई है। जब बहुत सारे लोग टैक्स नहीं देते तो टैक्स नहीं देने के तरीके खोज लेते हैं, और इसका भार उन लोगों को पड़ता है जो ईमानदारी से टैक्स चुकाते हैं। अब टाइम्स नाउ में बहुत लोग हैं जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं, क्यों अच्छा नहीं लगा? तो मैं वापस ले लेता हूं। लेकिन होता क्या है,
आज प्रत्येक भारतीय से मैं इस विषय में जरूर मैं चाहूंगा कि देश आत्ममंथन करे, सोचे क्या ऐसी स्थिति उन्हें स्वीकार है क्या। आज पर्सनल इनकम टैक्स हो या फिर कॉरपोरेट इनकम टैक्स, भारत दुनिया के उन देशों में है जहां सबसे कम टैक्स लगता है। क्या फिर जो असमानता मैंने आपको बताई वो खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। साथियों, सरकार को जो टैक्स मिलता है वो देश में जन कल्याण की योजनाओं में काम आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में काम आता है। टैक्स के इसी पैसे से देश में नए एयरपोर्ट बनते हैं, नए हाईवे बनते हैं, मेट्रो का काम होता है, गांव गरीब के घर तक पक्की सड़क बनाने का प्रयास होता है, गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलता है, मुफ्त बिजली मिलती है, सस्ता राशन मिलता है, सब्सिडी पेट्रोल डीजल सब्सिडी स्कॉलरशिप, इन सब कुछ सरकार तब कर पाती है क्योंकि देश के कुछ जिम्मेदार नागरिक पूरी ईमानदारी से आज भी टैक्स दे रहे हैं।